द फाइनल गर्ल्स मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स अपने कार में बैठकर अपनी मॉम का वेट कर रही होती है जिसका नाम अमांडा होता है। कुछ देर बाद अमांडा यहाँ पर आ जाती है जो मैक्स से कहती है कि तुम कभी भी किसी स्लैशर मूवी में काम मत करना। अब रास्ते में अमांडा मैक्स को खुश करने के लिए एक गाना गाती है जिसके बाद ये दोनों उस गाने में मस्त हो जाती है जिसकी वजह से इनका ध्यान भटक जाता है और इनकी कार एक दूसरी कार से जाकर टकरा जाती है जिसकी वजह से इनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में अमांडा की डेथ हो जाती है। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है जिसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में बैठी होती है। मैक्स के फ्रेंड का नाम क्रिस और गर्टी होता है। तभी गर्टी का ब्रदर डंकन इनके पास आता है जिसके हाथ में एक टेम्पलेट होता है। डंकन इन्हें बताता है कि 1986 की मूवी ब्लड पाथ वापस से थिएटर में लग रही है जिसे हम सब मिलकर देखने चलेंगे। दरअसल ये वही मूवी होती है जिसमें मैक्स की मॉम अमांडा ने काम किया होता है। ये सुनकर मैक्स वहाँ चलने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो उस मूवी में अपने मॉम को देखकर पुरानी यादें ताजा नहीं करना चाहती थी, पर उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ चलने के लिए बोलते हैं जिसके बाद मैक्स थिएटर चलने के लिए मान जाती है। अब शाम को थिएटर में मैक्स अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ जाती है। इस मूवी को देखने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए थे इसलिए ये थिएटर पूरी तरह से फुल हो जाता है। इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है जिसे देखकर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी के हाथ से वाइन की बोतल गिर जाती है। वो बोतल एक पर्दे से जाकर टकराती है जिससे वहाँ के पूरे फ्लोर पर वाइन फैल जाती है। तभी वहाँ एक आदमी के हाथ से उसकी सिगरेट नीचे गिर जाती है जिससे वो सिगरेट की चिंगारी वाइन में पकड़ लेती है और यहाँ पर तेजी से आग लग जाती है। अब देखते ही देखते वो थिएटर जलने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी यहाँ से बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच मैक्स को वहाँ एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिसकी मदद से मैक्स डिस्प्ले स्क्रीन को फाड़ कर वहाँ से अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर आती है। बाहर आने पर वो लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक घने जंगल में पाते हैं। ये सब देख कर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एक वैन आती है जिसमें दो लोग दिखाई देते हैं। दरअसल ये वही कैरेक्टर होते हैं जिन्होंने ब्लड पाथ मूवी में काम किया होता है। ये देखकर इन सबको काफी अजीब लगता है। वो दोनों कैरेक्टर इन्हें लिफ्ट ऑफर कर रहे होते हैं पर ये सभी उन्हें देखकर एकदम से शॉक हो चुके थे इसलिए ये उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। अब कुछ देर बाद वो लोग इनके पास फिर से आते हैं और सेम तरीके से इन्हें लिफ्ट देते हैं पर ये लोग इस बार भी लिफ्ट नहीं लेते हैं। फिर सेम तरीके से ये सीन इनके सामने 3 बार रिपीट होता है जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ये लोग ब्लड पाथ मूवी के 92 मिनट के टाइम लूप में फंस चुके हैं। दरअसल ये मूवी भी 92 मिनट की होती है। खैर अब ये सभी उनकी वैन में बैठ जाते हैं लेकिन तभी मैक्स पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उसकी मॉम अमांडा दिखाई देती है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी मदर अमांडा से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद मूवी के कैरेक्टर इन्हें एक घर में ले आते हैं। यहाँ पर उन लोगों का एक पार्टी प्लान था पर अब वो लोग मैक्स को भी अपनी पार्टी में इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड के साथ हमारी पार्टी में आना। यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि मैक्स के साथ साथ उसके बाकी के फ्रेंड्स ने ये मूवी पहले कई बार देखी होती है इसलिए इन लोगों को इस मूवी की स्टोरी पता थी। साथ ही इन्हें पता होता है कि यहाँ पर कब और कहाँ क्या होगा जिसकी वजह से इनके लिए ये सारी स्टोरी आसान हो गई थी। इस मूवी में बिली नाम का एक किलर भी था। ये किलर जहाँ पर भी पार्टी होती वहाँ आकर इंटीमेट होने वालों को जान से मार देता था। अब जैसे ही ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि किस कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर बिली आ जाता है जो उन दोनों किस कर रहे कपल को देख लेता है जिसके बाद बिली अपने हथियार से हमला करके उन्हें जान से मार देता है। ये देखकर डंकन को लगता है कि ये एक मूवी है तो इसमें सब कुछ फिक्स होगा इसलिए बिली इन्हें नहीं मारेगा। इसके बाद डंकन बिली के पास जाता है और उसके साथ सेल्फी लेने लगता है पर तभी बिली अपना बड़ा सा चाकू लेकर डंकन पर हमला करता है जिससे डंकन भी मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। फिर ये लोग पार्टी हाउस में पहुँचते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो आज रात मूवी के किसी भी कैरेक्टर को इंटीमेट नहीं होने देंगे जिससे इस मूवी के सभी कैरेक्टर बच जाएंगे, पर मूवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी लोग इंटीमेट होने वाले थे। इसके बाद मैक्स और बाकी के लोग सभी प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग सभी अलग अलग कैरेक्टर के पास चले जाते हैं ताकि उनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो और उन्हें इंटीमेट होने के लिए प्राइवेट टाइम ना मिले। अब वहाँ पर पोला नाम की एक लड़की की एंट्री होती है जो इस ब्लड पाथ मूवी की इकलौती सर्वाइवल थी और पोला वही
बिल्ली होती है जो अंत में बिली को मारकर बच जाती है। यहाँ पोला की मॉम उस बिली की कहानी सुनाने लगती है जिससे मैक्स और उसके बाकी के दोस्त मूवी के फ्लैशबैक में चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में एक समर कैंप दिखाया जाता है जिसमें बिली को कुछ बच्चे मिलकर सता रहे होते हैं। वहीं बिली उन सबसे डरकर एक मिनी हाउस में छिप जाता है, पर तभी बाकी के बच्चे भी बिली को बुरी तरह से परेशान करने लगते हैं। वो बच्चे बिली को उस हाउस से बाहर आने के लिए धमकी देते हैं, लेकिन जब बिली उस मिनी हाउस से बाहर नहीं आता तो वो बच्चे उस हाउस में पटाखे फेंकने लगते हैं, जिसके कारण बिली का पूरा चेहरा पटाखों की वजह से खराब हो जाता है। अब बिली बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिसके कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो जाता है तो वो अपने बदसूरत चेहरे को छिपाने के लिए एक मास्क रेडी करता है। इसके बाद वो उन सभी को मारने लगता है जिनकी वजह से उसे आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। अब इस फ्लैशबैक सीन में बिली जब उन लोगों को मार रहा था तभी कुछ खून के छींटे गर्टी के फेस पर आ जाते हैं, जिससे फ्लैशबैक सीन यहीं पर समाप्त होता है। अब ये सब वापस से मूवी के रियल सीन में आ जाते हैं, जहां पर मैक्स देखती है कि गर्टी के फेस पर अभी भी खून के छींटे लगे हुए होते हैं। ये देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ से बाहर भागने लगते हैं। बाहर वो दोनों कैरेक्टर कर्ट और पोला अपनी गाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी एक खंभे से टकरा जाती है जिससे कर्ट गाड़ी से बाहर फेंका जाता है और उसकी बॉडी फोल्ड होकर टूट जाती है, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाता है। तभी वो गाड़ी तेजी से ब्लास्ट होती है जिसमें पोला भी जलकर मारी जाती है, जो उस मूवी की एकमात्र सर्वाइवल थी। ये देखकर मैक्स और उसके बाकी के दोस्त समझ जाते हैं कि ये मूवी प्रेजेंट वे में चल रही है, यानी कि इस मूवी का मेन सर्वाइवल पोला ही थी, जबकि वो भी जलकर मर गई। इसका मतलब अब ये सब मूवी के प्रेजेंट मूवी में चल रहे हैं। खैर, अब ये सब अंदर जाते हैं जहाँ पर मैक्स अपने बाकी के फ्रेंड से बताती है कि हम लोग पास्ट में आ गए हैं जो इस मूवी के रोल में फंस गए हैं, इसलिए हमें ही इस मूवी को खत्म करना होगा। ये सुनकर क्रिस एक प्लान बनाता है कि रात को ये लोग पूरे घर में एक ट्रैप बनाएंगे और जानबूझकर पार्टी सॉन्ग बजाएंगे जिससे यहाँ पर बिली आएगा, फिर उसे ये सब ट्रैप में फंसाकर जान से मार देंगे, जिसके बाद ये सभी इस मूवी के टाइम से बाहर निकल जाएंगे। अब सभी लोग प्लान के मुताबिक वहाँ तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद मैक्स अपने मॉम के पास जाती है और उससे कहती है कि हम लोग बिली को मारकर तुम्हें इस मूवी के बाहर रियल दुनिया में अपने साथ ले चलेंगे। अब रात को प्लान के अनुसार ये सब टीना नाम की एक एक्टर को पार्टी में डांस करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद टीना पार्टी में डांस करने लगती है। अब प्लान के अनुसार पार्टी के दौरान वहाँ पर बिली आने लगता है। ये देखकर टीना बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि बिली के हाथ में एक धारदार हथियार भी होता है, इसलिए टीना खुद ही उस ट्रैप में फंस जाती है जिसे इन्होंने बिली को फंसाने के लिए बनाया हुआ था। उस ट्रैप में फंसने से टीना की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और फिर जब बिली घर के अंदर आता है तो क्रिश डोर को बंद कर देता है जिस पर जानवरों के सींग लगे हुए थे। उधर ब्लैक और गर्टी रस्सी को काट देते हैं जिससे बिली के सीने में वो सींग घुस जाती है और बिली यहीं पर मर जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिली मर चुका है। फिर ब्लैक उसके फेस मास्क को हटाने के लिए उसके पास जाता है, तभी बिली फिर से जिंदा हो जाता है और ब्लैक पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर मैक्स और बाकी के लोग एक तीर लेते हैं जिसमें सभी आग लगाकर उस बिली के ऊपर मारने लगते हैं, लेकिन बिली अभी भी नहीं मरता और इनका पीछा करने लगता है। उसे देखकर ये ऊपर वाले फ्लोर पर भागते हैं। दरअसल इन लोगों ने उस ऊपर वाले फ्लोर के एक रूम में ट्रैप लगाया हुआ था जिसमें एक बाल्टी पेट्रोल भरा हुआ था जो बिली के ऊपर फेंकना था जिससे बिली जलकर राख हो जाए। अब ये सब प्लान के अनुसार उस बाल्टी से बंधे रस्सी को खींचने लगते हैं, पर वो बाल्टी फंस चुकी होती है जिसके कारण उसमें भरा पेट्रोल नीचे नहीं गिरता। अब बिली इनके पास आने लगता है, पर तभी मैक्स किसी तरह पेट्रोल गिराने में कामयाब हो जाती है जिससे वो पेट्रोल बिली के ऊपर गिर जाता है। इसकी वजह से उस पूरे रूम में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में बिली और गर्टी दोनों जलकर मर जाते हैं। अब सिर्फ मैक्स, क्रिस और अमांडा बची हुई होती है, पर यहाँ फिर से बिली बच जाता है जिसे उस आग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिली उठकर इनके पीछे आने लगता है। बिली को देख ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद बिली क्रिस पर अटैक करता है जिससे क्रिस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर बिली मैक्स की मदर अमांडा को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। अब मैक्स क्रिस को उठाती है और उसे एक चर्च में ले जाती है। मैक्स क्रिस से कहती है कि तुम बहुत जख्मी हालत में हो, इसलिए तुम यहीं पर रेस्ट करके अपना ख्याल रखो और मैं अपनी मॉम को बचाकर यहाँ फिर से आती हूँ। ये कहकर मैक्स वहाँ से एक तेज धार तलवार लेती है और अमांडा को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। अब मैक्स उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक घर के अंदर उसकी मदर अमांडा को कैद किया गया होता है। इसके बाद वो अमांडा को फ्री कर देती है, पर तभी यहाँ बिली भी आ जाता है जो मैक्स को बहुत ज्यादा
मारता है। फिर अमांडा किसी तरह हिम्मत करके उसे मारती है, जिसके बाद अमांडा मैक्स को लेकर उस चर्च में आ जाती है। पर यहाँ अमांडा मैक्स के लिए कुर्बानी देना चाहती थी। अमांडा मैक्स से कहती है कि मूवी के अकॉर्डिंग इस मूवी में केवल एक ही सर्वाइवल बच सकती है, जो प्योर वर्जिन हो, और यहाँ पर तुम ही इस सर्वाइवल के लिए प्योर हो, क्योंकि जो गर्ल इस मूवी में प्योर वर्जिन होगी वही उस बिली को मार सकती है। ये कहकर अमांडा उस बिली के सामने आ जाती है। वहीं चर्च के अंदर क्रिस का ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। बाहर बिली अमांडा को मार देता है। अब मूवी के अकॉर्डिंग मैक्स ही केवल प्योर वर्जिन सर्वाइवल बची हुई थी, जो वहां से एक तलवार लेकर बिली के पास जाती है और उसके सिर पर हमला कर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, जिससे बिली यहीं पर मारा जाता है। इसी के साथ ब्लड पाथ मूवी खत्म हो जाती है और मैक्स के बाकी फ्रेंड मूवी के बाहर आ जाते हैं, जो कि जिंदा होते हैं। ये लोग खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। यहाँ मैक्स अपने सभी दोस्तों को जिंदा देखकर काफी खुश थी, पर इन लोगों के शरीर पर जो भी घाव लगा हुआ था वो एकदम रियल था। इसी बीच हॉस्पिटल में हंगामा होने लगता है, तभी यहाँ पर भी बिली आ जाता है, जिससे ब्लड पाथ मूवी का सेकेंड पार्ट यहीं से शुरू होता है। यानी कि अब इन लोगों को ब्लड पाथ मूवी के सेकेंड पार्ट में रोल निभाना होगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।